नमस्कार। तो आज आप हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स की बात की जाए तो 6 लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है फ्राइडे के दिन। स्टॉक काफी दिनों से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक में काफी बेरिश मूवमेंट आई है। तो रिसेंटली देख सकते हैं कि 6 लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिव एरिया है स्टॉक के लिए। तो स्टॉक उसी लेवल पे काफी समय से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले 3-4 दिनों से 6 लेवल पे एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट ले रहा है, वो भी हम लोग चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे। पहले फंडामेंटल नंबर चेक करेंगे कि कंपनी के कैसे है नंबर्स। तो मार्केट कैप 4146 करोड़ के 5000 करोड़ के नीचे आई, अभी रिसेंटली 4000 के करीब बने। पी रेशियो थोड़ा ज्यादा ही हाई है, बुक वैल्यू ₹15.6 का है, डिविडेंड यील्ड है नहीं है, फिर आरओसी 5.59%, रिटर्न ऑन इक्विटी 1% की है, फेस वैल्यू ₹10 का है। कंपनी के ऊपर टोटल जो डेप्ट है लोन है 4807 करोड़ का डेप्ट है, नेट प्रॉफिट जो है 97 करोड़ का, ईपीएस जो है 0.14 रुपीज। रिटर्न की बात किया तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिले, पर प्रॉफिट ग्रोथ में भी 57% की गिरावट देखने को मिली है। तो सेल्स ग्रोथ 39% है, इन्वेस्टमेंट 234 करोड़ की है कंपनी की, टोटल एसेट 17,000 करोड़ के ऊपर है। तो यहाँ पे प्रमोट होल्डिंग बहुत ही कम है, उसमें भी शेयर प्लेज है, जो कि चिंताजनक बात यहाँ पे नजर आती है। डेप्ट टू इक्विटी देखोगे तो 0.45 का डेप्ट टू इक्विटी है। तो चार्ट के ऊपर रिसेंटली नजर डाली जाए तो देख सकते डेली चार्ट फ्रेम का चार्ट एनालिसिस है, उसमें यहाँ पे आप लोग नजर डालोगे तो स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है 6 लेवल के करीबन। 6 लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पिछले 4 दिनों से यहाँ पे लास्ट वीक में सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि स्टॉक गैप डाउन से ओपन होता है 6 लेवल के, तो और तेजी के साथ गिरावट डस्टिंग देखने को मिल सकती है। सेम लेवल पे ओपन होता है तो फिर से 6 लेवल पे सपोर्ट लेके स्टेबिलिटी दिखा सकता है जेपी पावर स्टॉक।